वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडिंग फैशन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेकअप की जो है वो न्यू कलेक्शन। और सबसे ज़्यादा कि मेरे पास कौन कौन से मेकअप हैं, बल्कि और कुछ सिस्टर्स का मेकअप है न्यूली, अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई है, तो आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपने अपनी भाभी के लिए मेकअप खरीदना चाह रही है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और या फिर आपकी कोई सिस्टर है या खुद आप जो है नई शादी होने वाली है तो आपको मेकअप का कौन सा सामान है, कौन सा ऐसा जो मस्ट आपको बैग में भी होना चाहिए और जो है वो न्यूली जो मैरिड होती हैं लड़कियां उनके पास लाजमी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो है वो लिपस्टिक के लिए लिपस्टिक की कलेक्शन दिखाती हूँ, तो कौन कौन से कलर्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे। स्टार्ट कर, ये जो है लिपस्टिक के शेड है मेरे पास और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं, ये जो मैंने ब्रांड का लिया है ये मिस रोज़ के ब्रांड का है लिपस्टिक का कलर 39 मिस रोज़। देखें ये मैंने दो इसकी, अच्छा जी ये मिस रोज़ के मैंने तीन शेड रखे हैं, अगर आप कहें तो मैं इसको एक एक करके खोल के भी दिखा दूँगी। सादा लिप पेंसिल मैंने रखी है, इसका एक कलर रेड का आप देख लें और एक मैरून लिप पेंसिल, ठीक है। इसके अलावा ये मेरी लिपस्टिक कलेक्शन आप चेक करें, ये है इसके शेड मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा खोल के आपको बता देती हूँ। ये इस कलर का है, ठीक है, ये भी थोड़ा लाइट कलर का है, ठीक है, ये मैरून कलर का है लिप, और ये है जी ब्राउन कलर, और ये है रेड कलर। सारे ये देख लें, इसका एक बार खोल के ना मैं इसका आपको दिखाती हूँ इसकी कैसी शेप है, इसको ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें ये मैट लिपस्टिक है और इस बहुत अच्छा शेड आता है, आप एक को मैं हाथ में लगा के दिखाती हूँ आपको, ये देखें ये मतलब ये सारी मेकअप जो मैं एक एक करके आपको ये सारा मेकअप दिखाऊंगी आपको, इतना ज़्यादा भी नहीं है और इतना महंगा भी नहीं है, मैं आपको इसकी प्राइस भी बता दूंगी। आपको अपनी किडनी नहीं बेचनी पड़ेगी, वो इसलिए क्योंकि आजकल महंगाई का बहुत दौर है। मैं अपनी आई शेडो को कलेक्शन दिखाती हूँ कि वो जो है वो इसमें क्या क्या है शामिल, ठीक है, इसको हम कलेक्ट करेंगे। पहले मैं दिखा दूँ आपको इसमें क्या क्या है, ब्लश ऑन वगैरह भी थोड़े इसमें शामिल हैं, आई शेडोज़ हैं और ग्लिटर्स वाले भी हैं। कुछ तो है ऐसे जो डेली मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन कुछ मैंने ऐसे मेकअप भी रखे हुए हैं जो मैं के छोटा सा मैंने पाउच मेकअप का बनाया हुआ है उसमें मैं डाल लेती हूँ तो वो इजीली उसमें आ जाते हैं, और छोटा सा भी है तो वो, और उसमें दो तीन चीज़ें गिनती की रखनी है। बाकी जो मेकअप है वो ये है कि कभी पार्टी वेयर है, किसी की दावत होगी, नई शादीशुदा होते हैं बंदा तो दावतें तो होती रहती हैं, तो उसमें तैयार होने के लिए ये मैं दिखा रही हूँ। दीवान का ये ब्रांड है, ओरिफ्लेम का एक ब्रांड है, उसकी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और सबसे उसकी अच्छी चीज़ों की ना उनकी बात यह है कि बहुत ही छोटी होती हैं साइज़ में, पॉकेट फ्रेंडली होती हैं। ये देखें कितना प्यारा है इसका आई शेडोज़ लिखा हुआ है, और ये आप इस साइज़ में भी देख लें कितना छोटा है, कि अगर मैं अगर आई शेडो कोई बाहर रखना चाहूँ वो इतना बड़ा होता है। अच्छा ये आप देखिए, ये भी जिडानी गोल्ड का ओरिफ्लेम से आई शेडो मैंने मंगाया था, तो आई मेकअप जो है ना वो आई लाइक आई मेकअप, और आई से ही सारा आपका पता लगता है, तो इसकी आप बस इसके साइज़ चेक करते जाएं। ये ना मैं ये जितनी छोटी छोटी साइज़ की चीज़ें हैं ना जो मेकअप के मैंने कलेक्ट की हुई हैं ये मैं ना अपने पॉकेट में रखती हूँ। ये देखें कितने प्यारे ऑरेंज और स्किन कलर है, और ये मैंने अपने रखा हुआ, और छोटा सा ब्रश भी है इसमें, ये मैं ईज़िली कैरी कर सकती हूँ अपने बैग में जो मैंने मेकअप का छोटा सा पाउच बनाया हुआ ना। नेक्स्ट आ गया ये भी देख लें, छोटा सा है, ये क्या है मैं आपको बताती हूँ, ये आपको देख के बताती हूँ, ये भी है जी आई शेडो ही है, और ये छोटा सा मतलब ये मैंने लाइट कलर के लिए है, आप में से कोई भी जो पसंद करता है लाइट कलर उनके लिए तो ये बेस्ट है ना। हाँ जी ये है मेरा आई शेडो, ये देखें ये ग्लिटर्स हैं, ग्लिटर आई शेडो, कितने कलर हैं इसमें, टोटल 28 कलर्स हैं, तो एक मैंने तो ये रख लिया अपने पास कि क्या है। नेक्स्ट आई शेडो प्लेट की मैं दिखाती हूँ आपको, ये है जी मेरी एक और आई शेडो किट, ये चेक करें, ये भी थोड़ी ग्लिटर्स वाली है, ये वाली चेक करें इसमें कौन कौन से कलर हैं, बहुत प्यारे बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये ग्रे कलर है, ये वाइट कलर, और ये वाइट है और वो ग्रे कलर है, फिर आई शेडो की किट है, ये कितनी छोटी है, ये मैंने ओरिफ्लेम से ऑर्डर की थी, ठीक है, मैं सिंपल बता रही हूँ, ओरिफ्लेम की जो है उनके कलर्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, ये ग्लिटर्स वाले नहीं है, सिंपल है, सारे इसमें कलर्स हैं। चलें जी अब आ गया मेरी ब्लश ऑन किट, ठीक है, उसकी कलेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ, ये किट है, इसमें देखें आप कौन से कलर्स हैं, ये देखें ये है जी
अब एक और ब्लश ऑन किट है मेरे पास, इसमें ऑरेंज कलर भी है ठीक है, और एक और इसका मेकअप बहुत अच्छा लगता है, बहुत छोटा और प्यारा सा और क्यूट सा और वैसे अच्छा है भी। पर्ल्स इसके बहुत अच्छे हैं, ये ना आपको इसमें ना पीच पिंक और शॉकी पिंक भी नज़र आ रहे हैं पर्ल्स, ये एक तरह से ना ब्लश ऑन का ही काम करते हैं। तो इसमें शेड हैं 3 शेड, तो मैंने 1 शेड इसका ऑर्डर किया था, मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें और भी शेड है। अच्छा जी, अब बारी आ गई है ब्रशेस की, ब्रशेस दिखाती हूँ कि ब्रशेस क्या क्या चाहिए आपको। ये देखें ब्रशेस, ये एक ब्रशेस किट है, इसमें ना लिप पेंसिल के लिए भी है, आई शेडोज के लिए भी है, आईलाइनर लगाने का ब्रश भी है, फेस लगाने का ब्रश है। इसके अलावा मैंने एक ओरिफ्लेम से जो है वो, ये ओरिफ्लेम की है ब्रांड, असल में कितनी अच्छी इसकी खूबसूरत पैकिंग कितनी है, इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, तो ये मुझे कहीं से गिफ्ट मिला था, ये ओरिफ्लेम का ही है मैं बता दूँ। तो ये इसका ये ब्रश है, और उसके साथ में लगा, देखें लगा के दिखाती हूँ आपको मैं, एक निकाल के ना, ये देखें ये, और ये इसको अलग से है, और इसको कैसे आपने अटैच करना है, इस तरह डिफरेंट ब्रशेज हैं। अब ये आपने कर लिया, इसको निकाल दें, दूसरा अटैच करना है आपने, तो दूसरे ये देखें ये कौन सा है, एक और मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ, ये देखें ये अटैच कर लिया, बड़ा अच्छा मुझे इसका फंक्शन लगा था। आप देखें अगर आप ये पूरा उतार के अपने पाउच में रखेंगे ना, मेकअप पाउच में, वो भी आ जाएगा। ब्रश है, एक ये ब्रश है, इसमें लिखा हुआ है ठीक है, इसमें से एक आपको ब्रश एंगल दिखा देती हूँ, नाम भी इसके ऊपर लिखे हुए हैं, ये किस चीज़ के ब्रश हैं ठीक है। ये देखें ये है जी लिप ब्रश है ये ठीक है, ये वाला ब्रश है जी जूम किया ना, कंसीलर ब्रश, कंसीलर लगाते हैं इस ब्रश से, और ये ब्रश है जी एंगलर ब्रश, ब्लश ऑन इसके लिए इसे लगाते हैं ठीक है आप, और ये वाला ब्रश जो है ये डबल एंडेड आई शेडो के लिए ठीक है। ये ब्रश, ये थोड़े से ब्रश मैंने इसको, इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है, तो ये जो ब्रश है ये मैंने आपके लिए मंगाए, ताकि ये अपने लिए मंगाए, एक ब्रश वो ख़राब हो गया तो चलो इसकी पैकिंग हुई भी है, तो ये मैं फिर बाद में यूज़ करने के लिए मंगा सकती हूँ। अच्छा इसके ब्रश भी बहुत ठीक है, ये मेरी थोड़ी ब्रश कलेक्शन थी, वो ग्रीन वाला भी था वो भी मैं दिखाती हूँ। ये जी है देखिए आपने, ये दो ही हैं सिर्फ ब्रशेस के मेरे, और ये तीसरी एक और है ठीक है, ये मुझे गिफ्ट मिला था, लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ बेसिक नेल पॉलिश कलर बहुत ज़्यादा रखने हैं तो आप बेशक रखें, मगर जो मैंने बेसिक रखे हैं ना, एक कलर ये है, और इसको साथ साथ मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने छोटा सा एक पैकेट ये रखा हुआ है बॉक्स, उसके अंदर मैं डाले जा रही हूँ ठीक है। ये है मेरे थोड़ा सा ये वाला कलर एक लिया है ठीक है, एक ये वैसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मगर ये फिर भी मैंने रख लिया जब मैं कलर चूज़ कर रही थी कि कौन कौन से रखूँ मैं, तो ये कलर देखें लाइट सा, इस कलर के सूट बहुत हैं मेरे, तो इसलिए मैंने ये रखा, ये मेहरून कलर। अच्छा डिफरेंट ब्रांड के हैं इसमें, ओरिफ्लेम के भी हैं और कुछ जो है वो मेडोरा की लिपस्टिक्स भी शामिल है, ये ब्लैक कलर है ठीक है, और ये रेड कलर है। अच्छा दो मेन चीज़ें जो आपको लिपस्टिक में रखनी है ना, एक ये ग्लिटर है, ग्लिटर लिपस्टिक ठीक है, ये आप कोई भी लिपस्टिक लगाते हैं ना उसके ऊपर ग्लिटर आपने लगाना है, तो ये ग्लिटर लिपस्टिक है, ये मैंने ओरिफ्लेम से दीवान ब्रांड है उससे जो है वो ऑनलाइन मंगवाई थी ठीक है। और ये इसके बाद ये है वो बेस, और ये लेन पॉलिश बेस है ना, ये इससे बड़ी शाइन आ जाती है आपके उसमें क्या कहते हैं नेल्स में लगाने जी। मस्कारा दिखा रही हूँ आपको, ये मैं मस्कारा, एक आपने लाजमी मस्कारा तो जाकर होता है, आई शेड आई मेकअप रखना है उसमें मस्कारा रखना है, तो यह है ये आई लाइनर। अब इसके डिफरेंट शेड है, ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, मैं सब आपको दिखाती हूँ खोल के एकदम, मैंने आपको सब खोल के दिखा रही हूँ, ये इन पैकिंग इसकी ऐसी है, इस आई ना आई लाइनर्स की येलो ग्रीन, और अब जिसको नहीं मेकअप करना आता ना वो तो कार्टून बन जाएंगे, जिसको करना आता है तो वो उनको जो है वो अच्छा सा, ये कलर बहुत अच्छे हैं सारे ठीक है। और उसके बाद है जी ये मैं दिखाती हूँ ये आई लाइनर, और एक और ठीक है ये इसको बंद करते हैं, एक और ये है जी मेरे पास लिपस्टिक कलर, ये देखें हॉट रेड, ये सबसे अच्छा। अच्छा इसकी पैकिंग देखें, ये मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने ओरिफ्लेम से ऑर्डर की थी, जुदानी ब्रांड की है ये ब्लैक, इसकी कितना प्यारा लग रहा है, इसको आप ड्रेसिंग पे भी रखेंगे ना सजा के तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत लगेगा। हाँ जी ये देखें ओरिफ्लेम की ही मैंने आई पेंसिल मंगाई थी, तो इसके पीछे एक साइड पर पेंसिल लगी हुई है, दूसरी साइड पर ब्रश है, दूसरी साइड पर दिखाती हूँ मैं आपको,
मेहरून कलर की, बहुत अच्छी है ये भी, ये प्रेस पाउडर। ठीक है, ये देखें एक और की इनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये जो है ना ओरिफ्लेम का ब्रांड है, और ये इसका जो है वो क्या इसके बॉक्स में क्या लिखा हुआ है ये मेरे, मुझे तो लग रहा है ये देखिए मेकअप प्रो कॉम्पैक्ट, खाती खोल के ये देखिए इसका साइज चेक करें आप। ये मैं कहीं आने जाने में ना मैं सारी ओरिफ्लेम की चीज़ अपने मेकअप पाउच में रखती हूँ, कि वह छोटी सी आ जाती है। अब जो बारी आ रही है जी ये प्राइमर की, प्राइमर तो मस्ट होता है ना मेकअप से पहले, तो ये मैंने प्राइमर भी एक रखा है, ये जूम करके दिखा देती हूँ किस ब्रांड का रखा है। तो आपने अपने मेकअप की जो बनानी है ना किट, उसमें प्राइमर भी रखना है। फिर हेयर स्टाइलिंग स्प्रे भी है के रखें, सीरम भी रखना है आपने हेयर सीरम, ये मैंने स्प्रे भी रखा हुआ है अपने मेकअप किट में। मतलब आपको ना इन चीज़ों से पता लग जाएगा कि क्या क्या अच्छी चीज़ आपने रखनी है आप। तो ये चीज़ें थी मेरी, और इसमें से जो है वो आप जो है वो देख लें आपको कौन सी चीज़ें रखनी है। अगर आपने अपना मेकअप पाउच बना भी लिया है ना मेकअप का पूरा सेट, तो आप ये भी देख लें कि आपको इस वीडियो को देख पता लग जाएगा कि क्या चीज़ ऐसी है जो मैंने नहीं रखी। ये मैं दिखा रही हूँ आपको इनबॉक्सिंग करती हूँ इसकी, और इसमें क्या भी आपको पता लगेगा। परफ्यूम, ठीक है परफ्यूम तो आपने लाजमी रखना है इसमें। दो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अच्छा मेकअप तो सारा हो गया, अब मैं दिखाती हूँ अब मेरे इस शॉपिंग बैग में क्या है। चले जी मैं इसको ओपन करती हूँ। ठीक है ये मैं दिखा रही हूँ आपको, कलर ब्रश है ये। अच्छा ये बात तो आपने कम देखा होगा, ये ना आप हेयर ड्राई अपना करते रहें और इसको कलर ब्रश को ना आपने जहाँ कर्ल अपने बालों के नीचे करना है ऊपर करना है वहाँ घुमाते जाएंगे ना आपके बाल कर्ल हो जाएंगे। तो ये एक मैंने अपना पाउच में अपने जो मेकअप एसेसरीज में रखा है, जो हेयर एसेसरीज है। उसके बाद एक ब्रश रख लिया मैंने, ये ब्रश है और ये भी, ये टेलकॉम है। ठीक है ये आपकी हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपने ये भी लाजमी रखना है, और ये एक फाइलर ये मैंने इसमें रखा है। ठीक है ये मेरी थोड़ी सी कलेक्शन है। अच्छा सबसे जो इम्पॉर्टेंट है ना ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स जो मैंने ऑर्गेनाइजर में रखा है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी चीज़ें जो आपको हर टाइम ज़रूरत पड़ती है या कभी कभी अचानक ज़रूरत पड़ जाती है आपके पास मस्ट होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें ना मैंने एक ऑर्गेनाइज़र मैंने दराज ऑनलाइन से ऑर्डर किया था ये ऑर्गेनाइज़र। ठीक है तो मैंने इसमें सारी रख ली थी चीज़ें। अब मैं दिखाऊँ इसमें, उसके बाद नीचे है बक्सुआ का जो है हर टाइम ज़रूरत पड़ती है, और कभी अचानक में मैंने अपने स्कार्फ के जो है वो ब्रोच रखे हैं, स्कार्फ पिंस भी रखी हैं। ये वैसे डेंजरस होती हैं मगर फिर भी जल्दी जल्दी के लिए मैंने ये रख ली थी। ठीक है उसके अलावा छोटे बक्सों का है, हेयर पिंस आपको चाहिए। ये चीज़ें हैं ना ये मैं आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये इसलिए मैं कह रही हूँ एसेंशियल है कि ये चीज़ें जो हैं वो लाजमी आपको चाहिए होती है, कभी ना कभी और अचानक से ज़रूरत पड़ जाए तो ये आपको। तो मैंने ना ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, घूमने का खर्चा होता है ठीक है कि इधर कहाँगी कहाँगी ढूंढ रहे रहो, ये जो चीज़ें होती हैं ना ये मेन मौके पे आपको नहीं मिल रही होती, तो इसलिए मैंने इसके लिए ऑर्गेनाइज़र मंगाया और इसमें सब रख दी। ये मैंने रखा है इसमें। ठीक है एक ये रखा है, एक ये जो है वो स्पंज रखे हैं फेशियल, अगर आप घर में भी कर रहे हैं ना अगर आपने फेशियल किट लेके रखी हुई है तो दो स्पंज भी ज़रूरत के लिए आपने, या क्लिनजिंग कर रहे हैं रात को मेकअप उतारने के लिए क्लिनजिंग करते हैं ना तो उसके मैंने एक दो स्पंज भी रख लिए। ठीक है अब आती है थर्ड की, इसमें क्या मैंने रखा है ये आईलैशेस कर्लर। ठीक है और तस्वीर रखी है, ये मैंने तस्वीरें भी रखने रखी। अच्छा ये आ गई छोटी छोटी मेरी पोनियाँ बाल बांधने के लिए। ठीक है पोनियों के पैकेज मैंने लिए हैं, और ये देखें पोनीज भी बना के रख लिए मैंने, और मार्केट से मिल जाएंगी मगर आपको बता रही हूँ कि इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत होती है इसलिए आपको लाजमी रखना है। और क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये है जी पेंसिल का शॉर्पनर जो है ना आई पेंसिल लिप पेंसिल्स होती हैं उसके लिए शॉर्पनर भी मैंने लेके रखा है। टूट गया ऐसे का देखें बड़ा प्यारा सा है, ये मैंने आम बाज़ार से ही लेके रखा है, बड़ा प्यारा सा छोटा सा बॉक्स है ये 20 रुपीज़ का लिया होगा मैंने तो। ये मुझे बहुत अच्छा हेयर स्टाइलिंग के लिए ब्रोच एक, फिर मैंने अपने स्कार्फ के लिए स्कार्फ भी मैं करती हूँ तो मैंने एक दो रखे हैं, और ये छोटे कैचे शेड्स भी आ रहे थे डिफरेंट कलर के। अब ये देखें सारे छोटे कैचे ना मुझे जितने मतलब जैसे बात है एक दो तो नहीं चाहिए होंगे ज़्यादा, तो मैंने ढेर सारे ना छोटे छोटे कैचर की कलेक्शन ली, कितने प्यारे प्यारे छोटे से डिफरेंट कलर में भी हैं, एक पूरे ब्लैक कलर में भी हैं और मल्टी शेड में भी हैं। और ये मैंने अब जो ऑर्गेनाइजर बनाया उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हैं, तो ये चीज़ आपके पास लाजमी होनी चाहिए आपको ज़रूरत पड़ती रहती है।